बसमरिम अल्लाम नाजरीन मीडिया फोकस के प्रोग्राम मरूफ़ पाकिस्तानी के साथ आपका मेज़बान मसूद आलम रिजवी हाजिर है और पहले प्रोग्रामों की तरह हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में ऐसे पाकिस्तानी ख़वान मर्द हजरा आए जिन्होंने अपना नाम पैदा किया या अपने काम की वजह से उन्होंने कंट्रब्यूशन किया तो उसी सिलसिले में हमें खुशी है कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं एक खातून जिनके क्या अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपना बड़ा नाम है और मुझे खुशी है कि मैं उनसे आपका तारुफ कराऊं आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं बेगम यास्मीन दारी साहिबा वालेकुम थैंक यू यास्मीन साहिबा आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने आई नो के आपकी बहुत मसरूफियात हैं और न सिर्फ कराची में बल्कि कराची से आप बाहर सिंध में और जो काम कर रही हैं वो अब इंटरव्यू चलता रहेगा तो उसमें आपसे हम बात करेंगे तो हमें नाजरीन के लिए पता लगेगा कि आप किस किस शोबे में देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यास्मीन लारी साहिबा हमारे मुल्क पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट ये सबसे बड़ा एजाज़ है और आर्किटेक्चर इनका प्रोफेशन रहा उसके बारे में हम बात करेंगे फिर आगे और भी बातें होंगी जिसमें मैं समझता हूँ कि नाजरीन को सुन के खुशी भी होगी तो यास्मीन साहिबा फिर आ, ओवर टू यू मैं आपसे सबसे सवाल करूँगा कि शुरुआत आपकी पैदाइश आप आपके शहर पेरेंट्स आपके सिबलिंग्स आपके बहन भाई और स्कूलिंग और करते करते फिर आपके प्रोफेशन तक आते हैं तो ओवर टू यू आप बताएं मेरी तो बात यह कि तो बहुत एक सदी मुझे लगता है हो गई है पिछले सदी की आप बात कर रहे हैं तो बहुत ही पुरानी बात है और मेरी पैदाइश तो हुई थी डेरा गाजी खान में क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो आ, इंडियन सिविल सर्विस में थे जी जो कि अब ऑफ़ स, अब, अब जो आपकी सर्विस जो सिविल सर्वेंट है जिसमें आप भी शामिल थे जी जी, जी। आ, उसके वो थे और जब आईसीएस कहलाती थी आईसीएस कहलाती थी जी हाँ तो जब आ, जब हुआ आज़ाद हुआ मुल्क तो फिर वो ऑफ कोर्स ही ज्वाइन द ग्रुप द व्हाट वाज कॉल्ड द पाकिस्तान सिविल सर्विस आई थिंक और वो फिर स्टेशन थे पंजाब में तो लिहाजा मेरा बचपन सारा गुजरा ज़्यादातर लाहौर में वहीं पे मेरे स्कूलिंग हुई वहीं पे मैं एक दो एक दो साल कॉलेज भी गई आ, और उसके बाद से खैर फिर मैं पढ़ने के लिए फिर इंग्लिस्तान चली गई थी तो वो आप तो जानते ही हैं कि बड़ा प्रिविलेज बैकग्राउंड होता है अफसरों का जी जी तो कुछ हमारा भी हाल ऐसे ही था तो और चूंकि पाकिस्तान नया नया बना था कलोनियलिजम से अभी आज़ाद हुए थे लेकिन मेरा ख़्याल है हमारे दिमागों में अभी तक कल्चरली वी वेरी मच टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन के वही चीजें हमें देखना है आगे और चूंकि हमारे वाल आई सी एस ऑफिसर थे तो न्यूबाउट इंग्लिश इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड में वो गए थे पढ़ने के लिए भी तो लिहाजा काफी ज्यादा असर था हमारे खानदान में अंग्रेजों का लेकिन हमारी बड़ी खुशकस्मती ये थी कि हमारी अम्मां जो थी वो बहुत ज्यादा कंजरवेटिव थी और वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को को बहुत ज्यादा क्लोजली रखती थी तो मेरा ख्याल है कि हमें जो मेरे दो बहने और मेरे एक भाई थे हमें एक माहौल ऐसा मिला जिसमें दोनों चीजों का एक इम्तजाज था और वो शायद बाद में काम आया तो इस तरह से बचपन डेरा तो गाजी खान का आपने बताया तो आपके और भाई right. so, और आपने जो एक सदी की बात की तो ये तो खैर मैं समझ रहा हूँ कि आप इस वक्त माशाल्लाह अच्छी सेहत में भी हैं यू हैव पास्ट यू आर पास्ट, पास्ट एटी तो वो जो, जो आप सदी की बात की आपको तो आप सही बता दो मैं मैं आई एम थ्री नाउ एटी थ्री माशाल्लाह लेकिन आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे बड़ी आप अच्छी सेहत में हैं और खिदमत कर रही हैं

और वो फिर बहुत मतलब इस लिहाज से बहुत अच्छा वो था स्कूल था बहुत कम लोग थे और बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाई वहाँ पे हमें मिली आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में कि वहाँ में सिखाया गया कि कदरें क्या होती हैं एथिक्स क्या है हाउ डू यू एक्चुअली प्रैक्टिस एन इट शुड बी लाइक भी लैकेशन एंड सोन बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं देखती हूँ मेरे ख्याल में बहुत उसकी परत तरह से हमें सिखाया गया था अच्छा ये बताएं या मैं तो आपको डॉक्टर यास्मीन लारी नहीं कह सकता हूं। <laughs> दिए। 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 ये बताएं कि आपको ये 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 प्रोफेशन उस जमाने में जिसकी आप बात कर रही हैं अब से काफी अर्सा पहले आर्किटेक्चर का आपको जहन में कैसे आया कि ये मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ आर्किटेक्चर उसको कोई ऐसी चीज़ फील्ड नहीं थी यहाँ तो डॉक्टर इंजीनियर की बात होती थी उस जमाने में अब तक भी है तो वो कैसे शौक आपको हुआ मेरे ख्याल ज़माने में हाँ लड़कियों के लिए कभी कोई प्रोफेशन का तो कभी नहीं था और यही था जैसे आपने फरमाया कि या तो डॉक्टर बन गए या या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में चले गए yeah. लेकिन चूंकि हमारे वालिद जब थे तो आपको पता है शुरू शुरू पाकिस्तान बना था इट अ आई थिंक वेरी पीरियड फॉर लॉट ऑफ पीपल कि बहुत कुछ हो सकता है और करना है yeah. और मेरे ख्याल है कि हमारे वालिद जो थे वेरी ड्रिवन लाइक अदर पीपल एट द टाइम और वो ऐसी चीज़ों के इंचार्ज थे जैसे लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में शहर के बहुत सारे उन्हें मंूबे बनवाए पूरा शहर का नक्शा बदल डाला जब वो थल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बने तो वहाँ पर वो बहुत सारे नए शहर बसाए और मेरे ख्याल उन्हें अक्सर ये बात की कि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को अब अच्छे आर्किटेक्ट और प्लानर्स की जो एक नया विजन पाकिस्तान को दें तो मेरा ख्याल ये एक जज्बा था वो ज़माना ही दूसरा था जो लोग हम लोग पैदा हुआ जो पैदा हुए पार्टिशन से पहले मगर पले बढ़े आ, पाकिस्तान के आज़ादी के बाद मेरे ख्याल में जज्बा ही कुछ और था जिसमें मेरा ख्याल ये एक लगन थी कि आके मुल्क के लिए कुछ करना है तो बल्कि मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आपने तो दुनिया में और कहीं काम नहीं किया तो क्या मतलब है आपको कभी ऑफर नहीं कोई हुआ वरना लोग तो अक्सर चाहते हैं कि बाहर जाके इंटरनेशनल फेम हासिल करें इंटरनेशनली करें मगर मेरे ख्याल में उस जमाने में जिस तरह से चीजें थी तो हमेशा यही ख्याल हुआ कि जो कुछ करना है वो पाकिस्तान के लिए करना है तो मैं गई और फिर पढ़ के फिर वापस आ गई तो यहाँ पे 64 में कि ये जी, जी, गर... जी, जी हां हाँ। और उसके बाद आपको मैं समझते एक और ऑनर हुआ कि 69 में आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ अह रिवाई जिसका नाम है जी हां ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स या आई जी, uh, जी हां You are elected to that. Yes. Oh great. But well, that gives you a kind of stamp that you are a, a real architect. So <laughs> आपके लेट हस्बैंड वो भी आपके साथ आपने फिर फाउंडेशन यहाँ पे आप काफी दिन तो आप आर्किटेक्चर करीं उसके बाद 1980 में आपने हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ़ पाकिस्तान किया जी, जी, हाँ। उसके बारे में आप कुछ बताएँगी कि वो हाँ। तो क्या मकसद था उसका या क्या मकासिद हैं उसके, उसके तहत आपने क्या अचीव किया नहीं। और नहीं। आपके हस्बैंड का भी आपके साथ होते हैं उनका कितना इसके साथ कंट्रीब्यूशन था इसमें जी सुहेल जो है हमारे मेरे कजिन भी हैं थे और वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे गॉन एंड रेड पॉलिटिक्स फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स तो हम लोग तब साथ ही थे जब मैं भी पढ़ रही थी और फिर हम लोग वापस आए तो फिर सुहेल जो हैं उन्होंने लिखने पढ़ने का कुछ काम किया लेकिन फिर उन्होंने

और फिर एक वक्त आया जब ख़ास पे जब नेशनलाइज हो गई चीज़ें तो बड़ा मुश्किल भी हो गया तो सुहेल देन सोल्ड ऑफ द कंपनी और फिर वो फिर हिस्टोरियन तो उसमें बहुत उन्होंने मेहनत की और बहुत काम उन्होंने किया हिस्ट्री ऑफ सिंध पे बहुत किया सिंध का उनका बड़ा वसी मा था और स्पेशली मकली वगैरह पर बहुत काम किया जो कि बड़ा जबरदस्त हमारा है सिंध में

बट ये लोग जो थे ये सारे ऐसे स्कूलों में पढ़े जहाँ लोगों से मुलाकातें थी इनको पता था लोग उनका मिलते जुलते थे तो जब हम लोग वापस आए तो फिर सुहेल की वजह से मैंने बहुत सारे पुराने शहर देखे मैंने बहुत सारी चीजें समझी उनका मुझे इल्म नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल और ही किसी के तरह से पली पड़ी थी ये, ये। तो मैं खाली उससे मुझे बहुत ज्यादा एक स्पेशली एक शौक हुआ अपने हेरिटेज को समझने का और जो भी आप काम देखते हैं बाद में वो यही हुआ फिर हमने उस जमाने में सुहेल वो स्टिल ही स्टिल आई वाज रनिंग द खैबर इंश्योरेंस तो फिर मेरी तब मैं लारी एसोसिएट तो चला रही थी अपनी जो मेरी कंसल्टेंसी थी तो हमारे पास जो फंडिंग थी उससे फिर हमने एक ट्रस्ट कायम किया अपना फैमिली ट्रस्ट और हमने कहा कि हमें हेरिटेज पे कुछ करना है तो तब से फिर बहुत ज़्यादा काम शुरू किया तभी नाइनटीन एटी में uh, मिलकर हम लोगों ने फाउंडेशन बनाई हेरिटेज फाउंडेशन को जी हाँ इस तरह से ये आप बताएं कि एज एन आर्किटेक्ट जब आप यहाँ आई हैं बिफोर फाउंडेशन आपने 80 में बनाई तो एज एन आर्किटेक्ट कोई आपके कंट्रीब्यूशन कोई ऐसी डिजाइन की तो देखिए जब आई तो फिर मैंने तो काम शुरू किया था फिर करने के लिए तो, शुरू तो मेरे वाले तो इंडस्ट्री चला रहे थे उनके बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी तो उसमें उन्होंने कहा तो मैंने एक दो बिल्डिंग्स तब भी डिजाइन की उनके लिए भी लेकिन मेरा ख्याल है जो मेरा जो बहुत मशहूर हो गया मेरा मंसूबा वो था अंगूरी बाग है लाहौर में जो कि सोशल हाउसिंग है अच्छा और जो भुट्टो के साहब साहब के ज़माने में हुआ और जब मुझे कहा गया तो वो लोग थे वो नदी में रहते थे नाले में और उनको बसाना था तो वो अब बल्कि ज्यादा उसकी शहरत हो गई उस जमाने के मुकाबले में क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें के मेरा ख्याल बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं शहरों की जैसे हमारा लाहौर शहर है उसमें जो जिस तरह से टेरेस बनते हैं जिस तरह से आ वो गलियाँ उसकी हैं वो मैंने कोशिश की थी उसमें लाने की और बहुत अर्ली था लेकिन दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो लर्निंग अबाउट और मुझे तब से हुआ कि औरतों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि जब उनसे मुजात शुरू किए कभी मेरा ताल्लुक नहीं रहा था ना किसी भी उन लोगों से बात करने का जो कि उस तबके से नहीं बिलोंग जिससे कि हम करते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारे और बाकी जो है वो जरा एक है। तो लिहाजा आ, मुझे बड़ा अच्छा वो मौका मिला औरतों और के साथ मेरी बड़ी तवील मुलाकातें रहीं फिर वशीर हसन साहब थे जो उनके फिनंस मिनिस्टर थे जो सोशलिस्ट थे तो लिहाजा उन्होंने एक बाकायदा जलसा किया वो की बात जी, हा, हा, जी, जी एक जलसा किया पे पे शालमार बाग में और आ, वहां पे औरतों ने फिर मुझसे सवाल किए बाकायदा जवाब देना पड़ा था कि क्या मैं कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ तो औरतों ने यह कहा कि हम तो जहाँ रहते हैं वहां हमारी मुर्गियां भी होती हैं हम चीजें भी उगा सकते हैं बच्चे हमारे सामने खेलते हैं आप जो बना रही हैं तो इसमें तो हमें तीसरी मंजिल पे जाना पड़ेगा तो मैं बड़ी फखर से कह सकी कि नहीं आप जब रहेंगी तो आपके पास इतनी जगह होगी

Uh, कराची में and, uh, probably the one more like, आप तो खैर वो बैंक नहीं है A. B. M. Roo, आ, वो वो आ, है वो वो जो बिल्डिंग भी आर्किटेक्चर uh, yeah. that. yes, yes. uh, uh, पे हम बात कर रहे हैं एक सवाल जरूर आपसे करूँगा बिफोर वी मूव ऑन कि uh, इस वक्त आप क्योंकि बड़ी एक्टिव नहीं है इसमें तो इस वक्त जितने भी आर्किटेक्ट पाकिस्तान में है उनमें की पर परसेंटेज कितनी है यू नो बी सरप्राइज अभी आ, जो एनरोलमेंट्स हो रहे हैं और ग्रेजुएट भी कर रहे हैं मेरे ख्याल में येडर किया जाता है कि सबके लिए है। वो जमाना गुजर गया ये बहुत सारे में हुआ है पाकिस्तान में क्योंकि वो वक्त ही और था ना और अब तो दुनिया बदल गई है हमारी माशाल्लाह दे वे दे स्मार्ट ब्राइट और ख्याल है एक बात ये भी अब चली है कि हाँ खुत का भी रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो, प्लेक, जो जिनको उनको मौका मिलना चाहिए कि वो कर सके। तो ये, ये हमारी में या नौजवान लड़कियाँ उनको इस के लिए, आ, जी के जी लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत से प्रोफेशन में हमारी खुवान बहुत आगे निकली

शाइस्कर थी जी जी। इतने सारे खीन ने क्या कुछ नहीं किया था तो हम लोग तो देखिए उन्होंने रस्ते बनाए तभी हम आगे चले ना तो जब रस्ते बनाता है बनते हैं, तभी लोग आगे जा सकते हैं बेसिकली आप आपने क्या रखे थे या मिशन क्या था आपका जी और उसमें कहाँ तक आपने अचीव किया उसमें यूँ था की जब हम लोगों ने जो ज्यादा हम लोग चक्कर लगाते रहे पुराने शहरों के भी और स देख रहे थे कि हालात क्या हैं तो लगा कि हेरिटेज इज नॉट इन अ गुड स्टेट इज नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली क्योंकि जब हम और मुल्कों में देखते थे तो वहां हर चीज का इतना ख्याल किया जाता था क्योंकि आपकी शनाख्त तो आपके विरसे से होती है वही खत्म हो जाता है तो फिर आपके पास क्या रह गया yeah. तो हमने सोचा कि हम कम अज कम डॉक्यूमेंट तो करें और कुछ ये भी था कि आई थिंक वी टू अंडरस्टैंड अबाउट क्योंकि जैसे मैंने कहा एक पोस्ट कलोनियल पीरियड था yeah. हम किसी और तरह से पले बढ़े थे अब हमें अपने आप को समझना था तो मेरा ख्याल एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ था मेरे लिए ख़ास तौर से कि मैं अपने आप को समझूं और उसके लिए जब तक कि मैं हेरिटेज को नहीं देख रही थी या नहीं मैं कर रही तब तक, तक मुझे नहीं पता चल रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि हमारा मुल्क है क्या आ, मतलब सब लोग अमीर नहीं हैं yeah. तो पहले मालूम ही नहीं था ये बात है ना और क्या क्या महरूमिया लोग ही हैं और क्या क्या हेरीटेज जो है किस हाल में है और कैसे बचाया जाए तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फेज आई थिंक मेरे डिवेलपमेंट के लिए था कि मैं समझूँ और फिर हमने कराची के तकरीबन इमारतों को नो, 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 नोटिफाई करोटेक्ट हाँ। करने के प्रवे क्योंकि देखिये अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज ने ये किया कि उसने बहुत सारी हमारी जो तारीखी चीजें थी उनको बचाया बाकायदा लॉ लेके आया और ये जब हुआ तो फिर बहुत जो हमारे मोन्यूमेंट्स थे और आर्कियोलॉजिकल साइड थी वो तो बच गए बच गई इन द सेंस के नोटिफाई हो गए थी लेकिन जब आप शहरों में आते हैं और शहरों में क्या अजीम खजाना हमारे यहाँ है अगर हम छोड़ दें मुर्गों का जमाना भी तो इवन अंग्रेज के जमाने का कितना ये कुछ, ये। कुछ है लेकिन जो पुराने शहर हैं कदीम शहर जिनको कहते हैं अगर आप ठट्टा को देखते क्या जबरदस्त शहर था जिसमे विंड कैचे थे जिसको मैं वैक्यूलर हेरिटेज कहती हूँ उसकी भी बड़ी अहमियत थी और सब वो खत्म हो रहा था और हो गया चूक इज़ नाउ गॉन मैंने किताब लिखी उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट किया था लेकिन अब नहीं कुछ भी रह गया वहाँ तो बहुत सारी चीजें जो खत्म हमारी होती चली जा रही हैं। और क्योंकि अब सिर्फ किताबों में है तो ये करना जरूरी था और फिर हमने लाहौर में भी किया पिशावर में भी काम किया कई जगह हमने की क्योंकि तो उस तो जमाने में यह था कि जो सुहेल की अपनी कंपनी चल रही थी और मेरा भी चल रहा था तो हम फिर आराम से सपोर्ट कर सकते थे तो इसलिए वो हम अपना आराम से खुद ही करते रहे पुराने सकती हैं जिनको प्रोटेक्ट करवाया करवाया या प्रिजर्व कर जी हाँ क्योंकि गिराने वाले तो माशाल्लाह बहुत होते हैं तो एक तो फ्लैग स्टाफ हाउस जो था, जो था आजम हाउस म्यूजियम बाद में बन गया वो तो कम से कम तीन दफ़ा गिरने वाला था जो बचाया उसको और इसके बाद से अगर आप हिंदू जम खाना को देखें हिंदू जम खाना भी गिरने वाला था उसको बचाया मतलब इन देंस के उसके लिए लॉबी की बाकायदा और ये उससे पहले की बात है इससे पहले कि ये नोटिफाई हुई चीज़ें फिर अगर आप लाहौर का देखें जो जीपीओ लाहौर है आप तो जानते होंगे जी जी। आ, वो उसमें जहां जहां आग लगती थी वहां लोग इसको गिरा दो अच्छा। तो बचा इसी तरह स्टेट गेस्ट हाउस में आग लगी थी उसके लिए भी फिर हमने कोशिश की तो मगर सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो बहुत मुश्किल था वो वाला वो ये था कायद आजम हाउस म्यूजियम क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू लोग समझते हैं ना लैंड की वैल्यू बहुत समझते है न तो वो चूंकि कॉर्नर प्लॉट है बड़ा था और सब कुछ तो फिर गिरा के और वहाँ कोई मल्टी स्टोरी बना देख हर, हर का हर आजम हाउस जो यही सिंध क्लब के पीछे है जो की फातिमा में रोड पे है फातिमा रोड पे है जो है जी जी उसके सामने के ये पे जी हाँ उसमें विधा बड़े खूबसूरत थे असल में बात है किये आजम के नाम से मंसूब थी अब लोग कहें जी वहाँ तो वो कभी रहे नहीं क्यों तो तो बचाए लेकिन उन्होंने इफ ही ही हैड लिव्ड लिव्ड बियॉन्ड हिज लाइफ वुड हैव एंड देयर क्योंकि सारा सामान उन्होंने जाके वहीं पर रखा था अपना चाहे वो मुंबई से आया हो या दिल्ली से आया हो तो लिहाजा और फिर मिस मसीना खुद वहाँ रही उसकी अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू थी तो मेरा ख्याल है कि ऐसी चीजें हमें बचानी चाहिए और वो बिल्कुल लोग कहते थे भूत बंगला है

क्योंकि मकली तो एक बहुत ही अज़ीम खजाना है ना मतलब वो तो उसका तो कोई सानी नहीं कहीं क्योंकि द लार्जेस्ट मुस्लिम नेक्रोपोलिस इन द वर्ल्ड और सबसे बड़ी बात है कि जो तारीखी इमारतें है हैं वो एक पूरी मतलब पूरी हिस्ट्री बताती हैं सिंधु अगर आप समा से शुरू हो जाइए जो नेटिव रूलर्स थे उसके बाद से फिर कितने लोग आए कितने कब्जा किया कितने रूल किया फिर उन्होंने क्या क्या निशाना छोड़े मतलब पूरी तारीख आपको वहाँ मिलती है और इसीलिए मेरे मियाँ थे स्वेल, बहुत ज़्यादा रिसर्च की मक्ली पे और किताबें लिखी हैं और वो जो वेरी गुड फ़ोटोग्राफ़र तो फ़ोटोग्राफ़ी है आई I मीन mean, हमारे पास जो, तस्वीरें हैं उनकी वो 1980 से, 1980 से mostly, 2000, in in तो वहां पर सुल्तान इब्राहिम का एक बड़ा बुलंदा मकबरा है क्या जबरदस्त चीज़ है उसको भी हमने रिस्टोर किया उसके अंदर इतना जबरदस्त काशी का काम है विच इज दिस ग्रे स्टाइल वर्क जो मतलब दैट द फर्स्ट वन जो शुरू शुरू में जब काशी आई है सिंध में तो वो वो वाला था अच्छा। तो लिहाजा बहुत ज्यादा अहमियत इन चीज़ों की है और वो क्राफ्ट ऐसा है जो कि अब खत्म हो रहा है खत्म हो रहा है इन देंस कि उसको पोपेचुएट हम नहीं करने की कोशिश कर रहे लेकिन मुझे मौका मिला कि जब वो वहाँ हमने काशी का बायदा सीखा कि कैसे करना है

को इस 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 स्टाइल प्रोजेक्ट पे था इसमें कुछ कोरियन जी जी उसके अंदर बिल्कुल जी हाँ उसमें ये हुआ कि वो फंडिंग जो कंजर्वेशन की वो तो अम्बेस फंड एक है अमेरिका का उन्होंने लेकिन फिर यूनेस्को से यूनेस्को वाले बड़े कीन थे उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप देखें काशी को कैसे रिवाइव करवा दें क्योंकि आप इस इसमें काम कर रहे हैं तो लिहाजा उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट इस तरह से किया कि उन्हें अपने भेजे ट्रेनर्स भेजे जो कि बड़े अच्छे बड़े माहिर लोग थे उन्हें आके तमाम स्टडी किया उन्हें बताया वो थे तो कोई मेरे ख्याल में आठ या दस रोज़ के लिए लेकिन उन्हें क्या क्या चीज़ें हमें अच्छी बताई उसमें कि भाई आपकी क्या खराबियाँ हैं क्यों है कैसे बेहतर किया जा सकता है वो सब हमने सीखा अफसोस की बात जो मुझे है वो ये कि जो हमारे बड़े बड़े काशीगर हैं जिनके बड़े बड़े वो हैं वर्कशॉप्स हैं अगर आप जाएं तो देखें लेकिन ये कि वो नहीं चाहते थे कि वो चीजें सीखें वो अपना पुराना तरीके से करना चाहते थे अच्छा तो लकी कि हम समझ गए फिर मकली में उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी हमने कई सारी भट्टिया बनाई उन भट्टियों में हमने खुद इनको बाकायदा करवाया फायर करवाया और आई कुड रिजेक्ट एज मच एज आई वॉन्टेड तो जैसे वहां जो कैलीग्राफी अगर आप देखें क्या खूबसूरत कैलीग्राफी है वो उसका एक ही एविडेंस है हमारे पास लेकिन और जो तीन थे महराबे उसमें से खत्म हो गया था तो उसको फिर हमने तो, उसी दैट्स ओनली वन वी रियली रेप्लिकेटेड हालांकि वो सब बिल्कुल जा चुका था और वहां पर आ, वो बहुत मुश्किल से हुआ yeah. क्योंकि एक तो हर चीजें मिलनी थी आपस में इसके अलावा फिर ये था कि वो रंग भी सारे सही होने थे तो बहुत यह इज वेरी इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट वर्क बट वेरी इंटरेस्टिंग बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ Great. सीखा और ये इसी के जुड़ा हुआ जैसे ये काशी टाइल्स की आपने बात की ये हमारा हाला हालांकि में में जो जो काशी काम वो एक जैसा, एक जैसा है थोड़ा बहुत फर्क आता है लेकिन जो मैंने देखा वो ये स्टडी किया कि हमारे पास सेंटर्स और भी थे लेकिन सबसे बड़ा सेंटर हमारा मकले में था अच्छा जब हम काउंट करते हैं तो सबसे ज्यादा जो काशी के काम वाली इमारतें हैं वो मकले में है वो मकली में और भाई right. तो ये जो था ना इसको अगर आई विश के हम सेंटर बना दें दोबारा हाला भी बहुत अच्छा है और और जगह पे जहाँ पे भी काम हो रहा है वो भी सही है लेकिन ये कि जो बात मकली की वो फिर और रही है सो दैट वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से ऑन दिस और अच्छा इसमें एक और सवाल आपसे आज आपने खातन का जिक्र किया तो ये जो ट्रेनिंग आपने खुद से की फिर उनको सिखाया उनमें ज़्यादा थी ये जो काशी के जो के जो ग्लेज आपने किया वेरी <laughs> कि काशी काम में करें तो ये काम थे सिर्फ मर्द करते रहे और ये आप, ये अपनी जब तक हमने दे... नहीं कहा <laughs> औरतें और मेरा जो काम जो करती है इतना खूबसूरत इतनी अच्छी तरह से करती हैं मैं क्या बताऊँ Obviously. तो अब लेकिन देखिए बात ये क्राफ्ट का ये कि कह हम कहते हैं बना के और अमीरों को बेचें मेरा मैं बिल्कुल नहीं चाहती अमीरों को बेचें मैं चाहती वो आपस में बेचें आपस में उसको इस्तेमाल करें बिकॉज जो खूबसूरती वो लाते हैं अपने क्राफ्ट से अपने जिंदगी में वो उनके लिए जरूरी है और आपस में बेच के भी पैसे बहुत कमा सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बड़ी खाश है कि सिंध में मैं हर तरफ हर गाँव मतलब गाँव गाँव में फैला दू काशी का काम और इसका टेराकोटा का काम कम अज कम तो अभी कोशिश है अभी हम एक दो गांव में और हमने चला दिया है अच्छा। तो अभी मकली भी है और फिर मीरपुर खास में हमारे पास कम से कम दो गांव ऐसे हैं जहां पे काम शुरू है आ, अभी टेराकोटा का शुरू है वहां पे काशी को भी ले जाएंगे इनशाला 2000 के बाद आपने एज एन आर्किटेक्ट काम करना बंद कर दिया इज दैट करेक्ट और टू yes. थाउजेंड और लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव थे हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान के वो उसी के तहत फिर आपने ये दूसरा काम शुरू कर दिया जिसमें भी आर्किटेक्चर की जो बैकग्राउंड है वो भी उसमें काम आ रही है टू थाउजेंड फाइव का अर्थक्वेक उस उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था और ऑब्वियसली उसके बाद ये जो 2010 और 2011 में ये फ्लड्स आए थे पंजाब में भी और सिंध वाज बैडली अफेक्टेड उसके हिसाब से भी आपने बड़ा काम किया है लेकिन मैं चाहूंगा आपसे सुनना इसी को उसमें कोई नो कार्बन वाला भी कुछ जिक्र आएगा नो स्टील नो रहे 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 नो सीमेंट तो ये सब क्या चीज है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी जो आप बताएं जो कि मैं समझता हूँ हमारे नाजरीन को ये बात मालूम नहीं है लेकिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया है सिंध में उन खुवा के साथ हम के साथ और फिर वो चूल्हा भी आपने डिजाइन किया जो कि जब मैं रिटायर कर गई थी तो मुझे, पकड़ लिया और मुझे कहा कि मैं उनकी नेशनल एडवाइजर बन जाऊ तो लिहाजा और ये ये तब हुआ जब आपको शायद याद होगा हमने कारबान कराची शुरू किया था यहाँ पे पहली दफा मुझे पता चला कि हाँ सिर्फ अमीर ही को नहीं पता है कि हेरिटेज क्या है गरीब ही जानता है अगर उसको मौका मिले तो बहुत सारी चीजें सीखी सड़कों में बैठ के जो कभी बैठी नहीं थी मैं लेकिन फिर यूनेस्को ने पकड़ लिया मुझे कहा लाहौर मुझे नेशनल एडवाइजर तो मैं वहाँ तीन साल में एक तरह से कैद हो गई थी लाहौर लाहौर फोर्ट के अंदर वहीं लाहौर अच्छा। फोर्ट में हाँ। मैं वहाँ रहती भी थी वहां पे काम भी किया बहुत काम किया वहां फोर्ट मतलब शाही किला शाही किले में तो क्या प्रिविलेज इट वॉज टू बी दैट एनवायरमेंट बस आपको क्या बताऊँ मतलब जिंदगी में मुझे इतने मौके मिले हैं जो शायद मुश्किल से लोगों को मिले होंगे और वो फिर वहां पे लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि वहां पे मैंने लाइम का इस्तेमाल का। का क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे या हमें पढ़ाया गया था, तो सीमेंट ही मशहूर था हमें भी सिखाया गया था लेकिन बाद में पता चला कि लाइम तो और भी जबरदस्त चीज है क्योंकि अगर आप पुराने देखें एक्वाडक्स हैं रोमन के अगर आप इनके वो देख लें पिरामिड्स देख लें या आप अपने तैमूर के आप किले देख लें या शाही किला या जो भी आप देखें तो वहां पे लाइम का इस्तेमाल है yeah. तो लिहाजा चूनाट इज सो जो मुझे समझ में आया कि इस्तेमाल भी कैसे करना है तो देट इज वेरी लो काबन और फिर क्या होता है कि वो फिर एयर एनी हाउ तो जब जल्जला आया तो जैसे सब लोग उठ के चले गए आपको तो याद है वो इतना क्या जमाना था कि एवरीबडी फेल्डिंग तो मुझे नहीं पता था कि ना के नाकिटेट कुछ कर भी सकती हूँ कि नहीं हमें कभी सिखाया नहीं गया था आई नो वर्क फोर्स नो फंडिंग क्योंकि ये तो काम हम करते ही नहीं थे तो वहां जी पहुंच मी मैंने मैंने क्योंकि वो तो कभी मैं वहां पे काम ही नहीं किया था उस तो इलाके में और या कम अज कम इस तरह से नहीं किया था तो लिहाजा वहां पर फिर मैं चली गई और फिर वहां पर आ, आ, बहुत कुछ सीखा और लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखा और क्या क्योंकि जो मैंने हालात देखे के, खातिन का जो हाल देखा और महरूमियाँ जो देखी लोगों की आ, तब पता चला कि हमारा मुल्क एक्चुअली क्या है उसको किस चीज़ की जरूरत है जो कि हम बड़े बड़े जब एवानों में बैठते हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें डिजाइन करते हैं जो मैंने की थी तो आपको पता ही नहीं चलता है ना कि मुल्क क्या है और मेरा ख्याल जो भी उससे गुजरा है वो मेरा ख्याल वो भूल नहीं सकता वो जो एक्सपीरियंस था बट आई फाउंड के यस आई कुड डू समथिंग आई कुड कंट्रीब्यूट तो फिर तो मैं तकरीबन हर चाहे वो 2013 का जलजिला था आवरान में चाहे वो 2015 का जलजिला था आ, बाद में आ, शांगला वगैरह में चाहे वो सैलाब थे 2010 का जैसे आपने जिक्र किया 2011 में फिर तेरह चौदह मतलब ही तो आते हैं तो हर जगह भी सीखा कि कैसे डिजाइन करो कि बिल्डिंग सेफ हो जाए कि हमारा काम यह कि हम लोगों की जानें बचाएं और बिल्डिंग ऐसी डिजाइन करें जिससे लोग जो हैं उनकी जिंदगी महफूज रहें वो मैंने सीखा हर जगह काम करके अच्छा मगर उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तकफीत मिली या जिससे मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉ किया है वो हमारा अपना वर्नाक्यूलर हेरिटेज है लोग पहले कैसे करते थे अब उसमें क्या चीजें और करनी जिससे कि वो बहुत ही मजबूत हो जाए सही तो मट्टी का इस्तेमाल चूने का इस्तेमाल या फिर बांस का इस्तेमाल

साढ़े छ हजारंड्रेड थाउजेंड फैमिली खास इन टंडार इन उमरकोट इन सांगेक्टेड लोग थे उनके लिए सारे वही आई डोंड इन चीज जब तक आप देखे नहीं की कि कितने लोग आज घर पड़े हैं कितने लोगों के पास आज एक वक्त की रोटी नहीं है लाखों हैं हजारों नहीं है ट्रेजडी ऑफ दिस कंट्री हमारा जो अमीर है उसका बिल्कुल डिसकनेक्ट है गरीब से और कुछ शुरू में लोग गए अपना जमीर खुश करने के लिए चीजें बांट आए वट मी इसीलिए नॉट इंपॉर्टेंट के पैसे जमा करें इट्स इंपोर्टेंट के लोगों को हम स्किल्स दें और यही हम कर रहे हैं जो चार लाख खानदान मेरे हैं उसमें घर अभी सिर्फ चालीस हजार बन चुके हैं बन सके हैं उनके अपने पैसों से जमा करके लेकिन चार लाख जो चार लाख हैं, वो अब उनको तीन वक्त की रोटी फुल्ली मिल रही है खुद कमा रहे हैं खुद बना रहे हैं खुद सब्जी उगा रहे हैं खुद मछलियां पाल रहे हैं जो कभी मछली कहते हैं इंडिविजुअल फिश फिश फार्मिंग. फार्मिंग, लेवल पे कर रहे हैं उनको सिर्फ बताने की बात थी और वो गेटिंग खुशहाल होते जा रहे हैं ना, इस था इस था। मगर उनके लिए अभी बहुत और करना है यही चाहती हूँ हमारे मुल्क में गरीब के लिए कुछ नहीं है आई एम सॉरी टू से फिक्र नहीं है चाहे कुछ भी कह दें वो और जो अमीर है वो अपनी उसमें दुनिया में मकान है उनको भी कोई फिक्र नहीं है ठीक है ना उनके पास क्या करें उसका तो उनको तो उनकी मजबूरी है कि उसके बाद क्या होता है मतलब इसलिए मैंने तो ये देखा कि ना तो मुझे हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए ना मुझे किसी और से पैसे मुझे पैसे चाहिए ही नहीं बगैर पैसों के मैं चीज करवा रही हूँ मेरा सिस्टम ऐसा अच्छा बन गया है और हर कोई पैसे कमा रहा है मतलब अभी जो मेरा चूल्हा ही है जो आपने जिक्र किया इसको वर्ल्ड अवार्ड मेरा ख्याल तकरीबन तीन लाख चूल्हे मेरे बन चुके हैं अभी तक वो हमारी खात खुद बनाती हैं इतना खूबसूरत बनाती हैं और जो सिखाते हैं कि कोई डोनेशन की जरूरत नहीं ये खुद खुद करें खुद कर रहे बनी मैंने ये किया कि मैंने हजार घरों का एक पायलट बना दिया पहले मैंने अपने पैसे लगा दिए मैंने कहा मैं किसी लोग कोई मेरी बात को समझता ही नहीं तो मैं क्या करूंगी तो वो हमने कर दिया उससे हमारा फिर चला फिर कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया उनको मैंने कहा था हम सिखा दें कैसे करना है तो उन्होंने अभी हमारे उस तरह के जो मैं होलिस्टिक मॉडल कहती हूँ मेरे कोई छह हजार घर वैसे खानदान बिल्कुल फाल हो गए मतलब दे आ, दे आर ऑल अर्निंग एटलीस्ट अ मंथ एवरी फैमिली देर्टी था वो यही है कि आप एक दूसरे को सिखा रहे हैं या चीजें बना रहे हैं जो आप बेच रहे हैं आपस में कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ख्याल में हमारे पास गरीब पचास परसेंट ज्यादा तो बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो हम गरीबों को क्यों नहीं दे रहे हम अमीरों की तरफ क्यों बेचते हैं चीजें कोई जरूरत नहीं बेचने की उनको मैंने कह दिया फिक्र ना करो डोंट वरी अबाउट द रिच आप उसे बेचो चीजें आपकी होनी चाहिए एरिया वहां पे जो आपके ये होते हैं ना पॉन्ड जिनको साढ़े चार सौ कर करवा है। मेरे लोगों को बताया कैसे करो खुद कर भी, भी हो गई हैं वहाँ परिंदे भी आते हैं ये सब कुछ पॉसिबल है अल्लाह में दैन बहुत है इस मुल्क में और आपने वो जो घर बनाने का है वो भी मैंने आपसे बात हुई थी वो जो हमारे जो चौरा वो तकरीबन वही डिजाइन है जो, जो आप आपने किया है जिसमें और जिसमें और कुछ नहीं है ये नो स्टील नो सीमेंट और ना, वही हाँ, जब मैंने कहा मैं तो बहुत सीखती हूँ ना मैं बहुत सीखती हूँ लोगों ने पहले की या, और वो अगर मैंने वहां से नॉर्थ से सीखा कि आप धिजी कैसे बनाओ कि आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए लकड़ी से बनाते हैं ना वहाँ पे उसको मैंने बाँस में तक कन्वर्ट कर दिया तो मेरी दीवारें बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं

इसका कितना इसमें सारे आपके प्लान में कितना बड़ा रोल है देखिए जो हमने देखा हमने 2014 में बनाया था एक पूरा बाग है जी में।, जी में जी हाँ, वही जब बात करते बास बलोच साहब की उन्होंने कहा तो जमीन उन्होंने दी पैसे मैंने उसमें लगाए जो भी हमने किए और उसमें हमने पूरा एक बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए थे डबल स्टोरी भी सिंगल भी उसमें हम ट्रेनिंग भी करवाते थे क्या कुछ पे तो फिर वो अब जो सैलाब आया तो वहाँ उस इलाके में बहुत ज्यादा पानी आया मतलब यू है हाँ और वहाँ पे हमारे उस बाग़ में भी वो जो पार्क है उसमें काफी पानी खड़ा रहा कई महीने दो तीन महीने तो फिर जब मेरे पास तस्वीरें वो भी हैं और फिर बाद में जब पानी उतर गया तो फिर भी हैं वो सब सलामत रहे मेरे सारे स्ट्रक्चर बैम्बू वाले सलामत रहे तो ये बहुत बैम्बू इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी रेजिलियंट यासम साहबा आपसे बहुत बातें हो सकती थी इस ऐसी फील्ड है जो कि आपके साथ बैठ कर तो पता लगता है कि ये, ये एक अलग ही दुनिया है आर्किटेक्चर और इस और फिल्म थ्रेपी और लोगों की मदद करना किस तरीके से आ, टाइम की कैद है तो हम अपने प्रोग्राम को साम पर आ रहे हैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी कि जाने से पहले इस आपका जो तजुर्बा है आर्किटेक्चर में और फिल्म्रापी और ये सोशल वर्क में उसके हवाले से कुछ अगर आप पाकिस्तानियों के लिए या यूथ के लिए कुछ कहना चाहती हैं कुछ तो अल्फाज तो मेरा ख्याल है कि आज ये वक्त आया है जब हालात इतने ज़्यादा मख्स हैं कि हमें सबको मिल के चीज़ें करना होंगी हमें एक दूसरे की मदद करना होगी और सबसे बड़ी बात यह कि नॉलेज शेयरिंग करनी होगी हम बताएं क्या चीज़ें बेहतर हैं कैसी की जा सकती हैं और यूथ से तो मैं बहुत चाहूंगी कि खुदा के वास्ते आप लोग इन जगहों पर फैल जाइए जाके जो आपकी नॉलेज है उसे शेयर कीजिए और जो हमारे लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं बहुत अच्छे हैं बहुत मेहमानदार हैं आपको चाहिए कि आप उनके पास जाएं, उनको देखें कि उनकी मदद क्या की जा सकती है अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान बहुत खुशहाल होगा बहुत शुक्रिया यासमिन साहबा आपके साथ बहुत अच्छा मुफीद सेशन रहा और मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन ने भी इसे बहुत कुछ हासिल किया होगा आपकी स्पिरिट को और आपके जज्बे को देख करके नाजरीन हम प्रोग्राम के अख्ताम पे हैं आपसे मैं इजाजत लेता हूँ इजाज़त से पहले मैं ये बताऊँ कि आपसे स्क्रीन पे हमारा मीडिया फोकस का टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी है आपसे पहले की तरह मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो प्रोग्राम देखने के बाद ज़रूर हमें अपनी आरा से मुतल कीजिए इसलिए उस, उस आपकी तजावीज़ और आपके कमेंट्स के की रोशनी में हम अपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं खुदा हाफिज़